अरे की जहां ये पिया जवानी हमारी चराई रे नैना ओहो कि दुख बाट ये तना न सहले सहता अरे कैसे के रही सैया रहलो न जाता देखो आजकल सबका लगे मोबाइल बा इतना स्वतंत्र हमर करेक्टर दोषी हो हां लोग कहे कि खेसरिया के पेटे नहीं खेल रहा हां जहां देखो वही जी लाग रहता और मोबाइल ज्यादा है ना कौन आदमी कब फोटो और वीडियो बना के हमरा मौगी के भेज दियो से हम आदमी बन जाए हम अपनी पत्नी के लिए बहुत ईमानदार हैं है। जब घर पे रहते हैं तो बाहर तो पलांडी मारना ही है प्रशासन भेजिए आप नहीं भेजिएगा ऐसा ही होता रहेगा अजय भैया प्रशासन भेजिए देखिए इसमें अपनों का ही नुकसान करेंगे ना आपके अपनों को किसी को लगेगा ये सलीनता नहीं है इस हरकत से तो दुनिया में कभी कोई नेपाल में आएगा ही नहीं आप लोग सलीनता बना के रखिए जिंदगी में हर आदमी दोषी नहीं होता है कुछ लोग होते हैं और पूरा समाज को बर्बाद कर देते हैं खेसारी आया ना खेसारी आया यहाँ पे आपने देखा ठीक है यार हम हूँ किसाने के लड़का हई दो चार को ढेला लगी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा थोड़ी बजे हम अमेरिका से पैदा हो गए बनी भैया 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 आराम से क्या फर्क पड़ रहा है आपको कोई डंडा बरसा रहा है आप किसी के इतने बड़े व्यवस्था और आप दो चार दस लोगों की वजह से नेपाल बर्बाद हो रहा है यार इतने पढ़े लिखे तो हो आप लोग अब तू लो हमारे के जी गावे खाती बोले ले बड़े के समझावे खाती तू लो प्यार से रह बहना से टिकट वकट लेके चल अब तो सब लोग सलीनता से देखिए हम के आराम से गाना बजाना करके सब लोग एक दूसरे के प्यार करके चल जाए हाई हो लोग मैंने हाई ले है लोग के धन रखे हो रही यो लोग तो बेचारे टिकटे करा के आए हैं ना ये इंसान नहीं है इनको अपने समाज का गरिमा इनको अपने इज्जत की गरिमा है अपने भाषा का गरिमा है अपने राज्य का गरिमा है ये भी तो इंसान ही है इनको भी हंगामा कर देना चाहिए आपके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन किसी सम्मान का किसी राज्य का सम्मान शायद उससे बहुत ऊपर की चीज है आप लोग समझिए इस बात को प्लीज जो भी ये हरकतें कर रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूं अरे बाबू कैसे ये वो बेंजू वाला के लागल कैसे करी हो बेंजू वाला बेचारा एगो ढेला लागल एक मिनट बाबू आज एक लागल बा क्या कह इतना व्यवस्था करे में पैसा लागल बा ना पहले ही तो लोग 2 करोड़ हमारे ले गई बड़ा का कहल जाओ जाइए जाइए देखिए वहां पे पीछे पीछे आपको प्रशासन रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे प्रशासन रहेगा तो ये जो हरकत पीछे से हो रहा है ना तो किसी को नुकसान नहीं होगा तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा कम से कम ये मनोरंजन कर लेंगे वो उनका अपना कार्यक्रम चलता रहेगा हम लोग का इधर चलता रहेगा तो पीछे कम से कम 15-20 प्रशासन भेज दीजिए पीछे भेज दिए ना अब बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ लगाओ 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 एस्टिमेट लगाओ पीछे प्रशासन रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी स्टेज को कम से कम खाली रखना चाहिए
आप लोग बैठ जाइए, आप लोग आगे जो है बैठ जाइए, ताकि हम लोग जितने लोग हैं उतने में मनोरंजन करके हम लोग एक दूसरे के प्यार पाके प्यार दे के चले जाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए माता बहन बेटी, आप लोग भी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। की बोली जाता मिठाई पांच मेवा बांटे जी, की रौरा में झकास कपड़ा करिया लागे ना सवरिया, आज दढ़िया जन बन बड़ी बढ़िया। कहाँ गई जी साई? कहाँ पड़ी? छोड़ी हालो छोड़ी भैया भैया, आई लव यू। अरे होनिया से काहे के भी मतलब के तू लोग चचरा फारता रहो, रह रह बिलो खबा चचरा फार के पचरा गई है। अरे हजार दो हजार लागी खेसारी भाई ले लिए, बाद में तोरे अकाउंट में डाल दे, बाद में नंबर भेज दियो। थोड़ा इधर देखिए, कुछ लोग फूल फेंक रहे हैं इधर से, थोड़ा सा प्रशासन को भेजिए, उधर से कुछ लोग सरसों का फूल फेंक रहे हैं। बड़का बड़का तो प्लीज एक दो प्रशासन को पिछवा भेज दीजिए, क्योंकि आगे से तो ये लोग फेंकते रहेंगे तो पीछे जाएंगे तो ज्यादा। आप लोग आगे से आ जाने में क्या दिक्कत है? आप लोग अपने नेपाल का नाम बदनाम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपके हरकतों से पूरा नेपाल नेपाल की छवि खराब होती है। और यहाँ कोई कलाकार ऐसे नहीं आएगा जब आप ऐसे करिएगा तो। देखिए अजय भैया, थोड़ा सा प्रशासन दो तीन भेजिए उधर, नहीं तो ये समझने वाले लोग नहीं है। अब आदमी गाय के भैया गुली बचावत रहो, ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं आप? देखिए पीछे भेजना पड़ेगा प्रशासन को, ताकि कुछ माली जो फूल वाले माली हैं उनका व्यवस्था कर दे। आप एक दो लोगों की वजह से ही सारी चीजें व्यवस्था खराब होगी, देख रहे हैं ना? चार ही पांच दस लोग होंगे, लेकिन दस लोग मिलके पूरे नेपाल को बदनाम करने पे लगे हुए, ये कितना गंदा काम है इनका। और लोग को ले थोड़ा सा प्रशासन देख लीजिए, अगर आप आगे से आ सकते हैं तो आ जाइए, इतना खर्चा हुआ है तो आप लोगों के लिए हुआ है ना। कुछ प्रशासन नहीं, आप लोग बैठिए, बस प्रशासन को भेज दीजिए, आप लोग बैठिए, वो कुछ ही लोग हैं। हेलो मैं मुन्ना कमरेड डीएसपी साहब, जहाँ पनि हुनुहुन्छ सुरक्षा को लागि आइदिनुस्। मैं मुन्ना कमरेड मोरङ जिला इन्चार्ज प्रदेश नंबर एक, हजुर युवराज सरकार हुनुहुन्छ, तपाईले स्टेज में आइदिनु पर्यो, पछाड़ी सुरक्षा मिलाइदिनु पर्यो सर, यहाँ जनताहरु धेरै गडबड गरिरहेको छ, हजुर को क्षेत्र में सुरक्षा राम्रो हुनु पर्छ। आप लोग ऐसे करिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में दोबारा कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई कलाकार आएगा। आप अपने पूरे राज्य को बर्बाद कर रहे हो, अपने देश को बर्बाद कर रहे हो, यहाँ रहते हो और आप यहीं के फंक्शन को आप बर्बाद करने पे लगे हुए। मुझे तो लगा था कि शायद मैं यहाँ जाऊंगा तो दोबारा जो चीजें हुई थी वो चीजें खत्म हो जाएगी, फिर से एक नए सिरे से हम चीजों को करेंगे और लोगों का प्यार पाएंगे। अगर मैं डरता तो यहाँ नहीं आता, मैं आप सबसे प्यार करता हूं, इसीलिए अपने जिंदगी को दांव पे लगा कर दोबारा खेसारी लाल यहां पे आया। नहीं तो अगले कार्यक्रम में कम से कम 2 करोड़ रुपया बर्बाद मेरा हुआ था।
उसके बावजूद भी मैं आप सबसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आज यहां आया कि कम से कम वो जो पिछली गलती हुआ था उसमें किसी का दोष नहीं था, ना मेरा था। मैं होटल में बैठा रहा, सुबह 7 बजे से लेकर 2 दिन तक मैं यहीं पे रहा, लेकिन प्रशासन की अपनी प्रॉब्लम थी, प्रोटोकॉल था, कोरोना में चीजें नहीं हुई तो उसमें कोई दोषी नहीं था। लेकिन इस बार अगर व्यवस्था अच्छा है तो कम से कम इसका एंजॉय करिए आप लोग। आप लोग अपनी जिन चीजों को तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ये कार्यक्रम हुआ है तो फ्री में तो हुआ नहीं है, सबने खर्चा किया है, सबका फाइनेंस लगा है सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। वही मैं कह रहा हूं, आपका तो पाने से लगा है और जिसका 2 करोड़ लगा है उसका क्या। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सबको चंदा देकर एक अच्छा कार्यक्रम कराना है ताकि सब लोग एंजॉय कर सके, आप अपने बेटा को देख सके, अपने भाई को देख सके, यही ना। इसीलिए मैं भी आया ना इतने दूर से। अब बस प्रशासन थोड़ा सा पीछे रखिए, आई पीछे में स्टेजवा के पीछे में रखिए। हाँ अब दीजिए साउंड दीजिए तो।